सब्सक्राइब कीजिए गैजेट फ्रीक को फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज एप्लीकेशन रिव्यूज और मोबाइल रिव्यूज के लिए। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नमस्कार, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल काफी सारे जवाब आ रहे थे और काफी लोगों ने कोशिश की है जियो फोन लेने के लिए। तो जियो फोन एक हम बात करेंगे कि जियो फोन आपको क्यों लेना चाहिए और जियो फोन के फीचर्स क्या है और जियो फोन में क्या ऐसा है कि सभी लोग जियो फोन को लेना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आती है जियो फोन में, आपको सबसे पहला जो बेनिफिट मिलता है वो मिलेगा शायद आपको डेटा। डेटा आपको दूसरी कंपनीज नहीं देगी, जियो फोन ये जियो की खुद का प्रोडक्ट है। तो डेफिनेटली इसमें आपको रीजनेबल प्राइस पे रेट पे आपको पर मंथ डेटा उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरी जो खूबी है, इसे कहा जाता है इंडिया का स्मार्टफोन। अब ये स्मार्टफोन तो है नहीं, अब आप सोच रहे होंगे डेफिनेटली इस फोन को लेकर के हम करेंगे क्या। ये फोन आपके और हमारे लिए नहीं बना है, बट उन सभी लोगों के लिए बना है जिनको स्मार्टफोन यूज करना फाता नहीं है। अगर मैं हम बात करें अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के, अपने बड़े बुजुर्ग दादा दादी के या फिर नाना नानी के लिए, तो डेफिनेटली उनके लिए काफी आसान उनकी लाइफ होने वाली है। उस फोन की जो खूबी है उसमें वॉइस असिस्टेंट आपको मिलता है, तो वो आसानी से एक बटन दबा करके वो बोल सकते हैं और वो फोन उनके लिए सारा कुछ करेगा। तो ये अच्छी चीज है। तो डेफिनेटली ये फोन में आपको और जो मिलता है वाईफाई, ब्लूटूथ, इंटरनल स्टोरेज भी आपको 4GB का मिलता है, 512MB की रैम भी मिलती है। नो डाउट डिस्प्ले बड़ा नहीं है, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग है उनको छोटा डिस्प्ले फाता है और दे आर फाइन, उनको ठीक है भाई की ठीक है हमारा फोन है हमारे पास एंड आई एम एबल टू मेक कॉल्स, उनके लिए वो वैलिड होता है। तो आप ये फोन उनको गिफ्ट कर सकते हैं और ये अच्छा समय, अभी फेस्टिव सीजन भी चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जियो को प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि वो हैंडसेट सच में लेने लायक है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में 1500 रुपए में जियो फोन आपको कोई नहीं देने के लिए बैठा है मार्केट में। लावा, जोलो, माइक्रोमैक्स चाहे जो कोई भी कंपनी हो, कोई भी 1500 रुपए में आपको वाईफाई, ब्लूटूथ ये सारे के सारे फीचर्स नहीं देगा। और इनफैक्ट जो सबसे अच्छी चीज है कि 153 रुपए में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रहा है। अब उसमें अगर आपको सिर्फ कॉलिंग के लिए अगर फोन चाहिए, आप नहीं चाहते हैं जियो को यूज करना, तो डेफिनेटली कॉलिंग के लिए उसको प्राइमरी में आप और मेरे जैसे लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफी हैंडी रहेगा और एक छोटा फोन रहेगा जिसे पॉकेट में आसानी से हम भर करके कैरी कर सकते हैं। 2000mAh की बैटरी उसकी कैपेसिटी दी गई है, तो डेफिनेटली आपका 2 दिन तो मिनिमम चलना चाहिए अगर सिर्फ आप कॉलिंग के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हम और आप उसमें वीडियोस बैठ के नहीं देखेंगे क्योंकि आदत हो चुकी है बड़ी स्क्रीन की, तो छोटे स्क्रीन पर हम नहीं देखेंगे। और डेफिनेटली वो हम जब सिर्फ कॉलिंग के लिए उसे यूज करेंगे तो फोन की बैटरी लाइफ भी ज्यादा हमें मिलेगी। तो एंड्रॉयड पे ये जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन आ जाएगा। और दूसरी चीज की 4G, क्योंकि जियो में कॉलिंग फ्री है तो वो कॉलिंग का भी एक सोल्यूशन आ जाएगा। तो अगर उस केस में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जो ड्रॉबैक्स जो मुझे उसमें लगे, ड्रॉबैक्स अगर मैं बोलूं तो एक तो ड्रॉबैक है और दूसरी श्योरिटी नहीं है अभी तक कि एग्जैक्टली उसमें वो फीचर है या नहीं है। सबसे पहला ड्रॉबैक जो है कि फोन सिंगल सिम है, तो दूसरा कोई मोबाइल ऑपरेटर का आप उसमें यूज नहीं कर पाएंगे। सिंगल सिम होने की वजह से सिर्फ जियो ही चलेगा, जैसे रिलायंस का CDMA एक समय चलता था। और इसमें कुछ ऐसे फीचर्स या स्पेशल इनके सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट डाला गया है कि आप दूसरा यूज भी नहीं कर पाएंगे। अभी जैसा कि एयरटेल अभी VOLTE लॉन्च करने वाला है, तो शायद एयरटेल का VOLTE भी उसमें नहीं चलेगा, सिर्फ जियो का ही सिम चलेगा। तो सिंगल सिम होने की वजह से एक मुझे ड्रॉबैक लगता है जिसको हम बहुत हद तक इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आज तो सभी लोग जियो ही यूज कर रहे हैं। और डेफिनेटली एयरटेल क्या है और कैसी कंपनी है वो बताने की जरूरत नहीं है, वो सभी लोगों को पता है कि एयरटेल एक सबसे बड़ी फ्रॉड कंपनी जो हमेशा लोगों को लूटने में बिलीव करती है। तो चलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो फिर अभी जो हम बात कर रहे हैं जियो में, और दूसरा जो ड्रॉबैक लगा वो था कि जियो में हॉटस्पॉट अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि काफी लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि 1500 रुपए में अगर ये हैंडसेट मिले तो हम उसे एक राउटर की तरह रख दे किसी एक जगह पे और 10 डिवाइसेस कनेक्ट करके हम उसका इंटरनेट का मजा ले। तो वो श्योरिटी अभी तक नहीं आई है, काफी सारे डिटेल्स अभी भी हिडन है, वो सारे के सारे चीजें क्लियर नहीं हुई है। 153 रुपए पर मंथ है, 2 महीने का है या 3 महीने का प्लान है वो भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि 153 रुपीज अगर पर मंथ है तो डेफिनेटली ये एक महंगा सौदा है, क्योंकि 399 या 349 या 309 जो भी प्लान अभी अवेलेबल है उसके मुकाबले 153 रुपए डेफिनेटली महंगा है। लेकिन अगर आप पेरेंट्स के ये गिफ्ट करना चाहते हैं तो उस केस में अगर मैं उसको अलग करूं तो डेफिनेटली 153 रुपए सस्ता है। अगर वो इंटरनेट यूज नहीं करते हैं, आपके माँ बाप या माता पिता यूज नहीं करते हैं,
तो उनके लिए 153 रुपए में आप रिचार्ज करा दे, वो कॉल करेंगे एंड दे विल बी हैप्पी क्योंकि उनको रिचार्ज का टेंशन नहीं रहेगा। तो उस केस में वहां पर आपको फायदा है। लेकिन अगर मैं बात करूं डेटा वाइज कि पर मंथ अगर डेटा अगर यूज करना है या फिर जो भी है वाईफाई या हॉटस्पॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीजों में जियो का जो ये इंडिया का स्मार्टफोन है ये सवाल के घेरे में आता है। कब तक डिलीवर होगा? सितंबर बताया जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि सितंबर से डिलीवरी शुरू हो जाए और 500 रुपए में, क्योंकि कल तो मैंने खुद दो तीन बार ट्राई किया, कोशिश की तो वेबसाइट क्रैश हो चुका था। इनफैक्ट वेबसाइट अभी भी थोड़ा डाउन चल रहा है, अभी भी प्रॉपरली नहीं चल रहा है। ये अलग अलग स्लॉट्स में आएंगे, अभी पहला स्लॉट की ये बुकिंग अवेलेबल थी। इनफैक्ट अभी भी आप बुकिंग ट्राई कर सकते हैं और आपको ये डिवाइसेस मिलने के चांसेस ज्यादा अभी हैं। और अगर वेबसाइट पे आपको तकलीफ आए, जी हाँ, हम बुकिंग की बात कर रहे थे कहाँ से ले सकते हैं, अगर वेबसाइट पे तकलीफ आए तो मोबाइल के एप्लीकेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, वहाँ आपको पॉपअप आता है, या फिर आप माई प्लान्स या माई वाउचर्स में जाइएगा तो वहाँ सेक्शन में आपको दिखेगा एप्लीकेशन के अंदर जहाँ पर आप बुक कर सकते हैं इस डिवाइस को। तीसरा जो ऑप्शन है वो है ऑफलाइन। जी हाँ, जियो के जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, वहां पर जाकर के भी 500 रुपए दे करके एक रिसिप्ट ले करके आप अपना बुक कर सकते हैं ये फोन। और आपका जैसे ही कंफर्मेशन आएगा तो आप वहां जाकर के अपने डिवाइस को कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी थी जियो फोन के बारे में। अगर मेरे से कुछ मेरे नजरिए से अगर आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि ये फोन लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी प्रेफर करूंगा इस डिवाइस को लेने के लिए। और अगर ये हमारे पास आता है, जितनी जल्दी आता है वो डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तक कुछ ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ है कितने लाख कितने करोड़ कितना बुकिंग हुआ है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा नंबर कब तक आएगा। तो अगर कोई भी क्वेरीज हो जियो फोन या इंडिया का स्मार्टफोन से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको सारे उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं ऐसे ही, तो हम बिलीव करते हैं सबका साथ सबका विकास। जी अब बीजेपी का नारा नहीं है, गैजेट फ्रीक का नारा है। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, अगर सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें और नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जितना हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।